नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बराजिया में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने अमला पहुंचा। कब्जाधारियों ने कुछ समय मांगा, कब्जाधारियों में हड़कंप। खिरसा डोह के पूर्व विधायक सौरभ ताराचंद के निवास पहुंचे और एसडीएम से मुलाकात कर मांग की। जब तक रहने के लिए मकान नहीं मिल जाते या पट्टे नहीं मिल जाते तब तक इनको समय दिया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने भी एसडीएम से चर्चा की, साथ में पार्षद दल भी मौजूद रहा। भुवन सूर्यवंशी, पार्षद अनुज पाटकर, नगर पालिका उपाध्यक्ष महेश सोमकुंवर, पार्षद बबलू नागी, पार्षद आशीष जायसवाल, सौरभ ताराचंद बावरिया ने रहवासियों के साथ एसडीएम कार्यालय जाकर रेलवे के द्वारा तोड़े जा रहे अतिक्रमण को लेकर परासी एसडीएम एवं रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। सभी परिवारजनों को कुछ महीने और रहने के लिए पट्टे मिल जाएंगे तो ये स्वयं रेलवे की जगह छोड़ देंगे, ऐसा अनुरोध सभी ने मिलकर किया। जबलपुर संभाग ब्यूरो, राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। रेलवे की जगह है तो इसका घर खाली कराने से बोला गया। सारे लोग बिल्कुल गरीब परिस्थिति के लोग हैं कि कल सभी लोग निवास में भी आए थे तो समय बहुत कम है। कल उनकी टीम नागपुर से पूरी गाड़ी और सब अधिकारी के साथ आज चली गई थी। ऐसे हम साथ उधर आग्रह करने के लिए आए थे कि इन्हें ज़्यादा नहीं 2 महीने की अवधि दी जाए ताकि इन्होंने जैसा भी जोड़ तोड़ करके अपना मकान बनाया है। कई लोगों की स्थिति यह है कि घर पे ही बीमार, इनके यहाँ पे कोई ससुर किसी का बेटा ऐसी स्थिति में है तो कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको मैं वहाँ जाकर के सड़ों में भी देना हूँ। तो वो अभी एसडीएम साहब से आग्रह किया, मेरी फोन में वार्तालाप हुई है जिले के अधिकारी हो सकते कि ये लोग लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं कि 2 महीने की अवधि दी जाए ताकि ये लोग अपनी शक्ति की प्रोसेस कर लें। और जो पटना की भी बातचीत अभी एसडीएम मौके से हुई है तो अतिशीघ्र ये सभी लोगों की रहने की व्यवस्था जिस तरीके से हो जाएगी ताकि सभी लोग सब कर लेंगे। और सब सौ इच्छा से सब लोग करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ अगर हमारी सरकार कहीं ना कहीं घर देने के लिए सभी योजनाओं का वो कर रही हो, जिसका घर अगर उजड़ जाएगा तो कई सवाल जवाब देने होंगे। इसलिए मेरा आग्रह मीडियम के माध्यम से कि आप सभी लोग इस बात को आगे तक पहुँचाएँगे। निश्चित रूप से इन्हें केवल 2 महीने की अवधि दी जाए, इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पर।